साजिद तारर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं इनके, डोनाल्ड ट्रंप के। और बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी आप पाकिस्तान से भी होकर के गए हैं, उस वक्त तो आपसे मुलाकात नहीं हुई। ये बताइएगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। अभी ये आप सुन रहे थे, हम बात अभी कर रहे थे जो इमिग्रेशन के हवाले से आपके जो कैंडिडेट हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो ये दिस मस्ट हैव स्केर्ड पीपल ऑफ अ लॉट, नहीं जी? सर आपका माइक म्यूट है, मेरा ख्याल है म्यूट किया हुआ आपने माइक। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। ये मेरे ख्याल में लेफ्ट विंग मीडिया प्रोपोगंडा मशीन का ये काम है कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टीज एंटी इमिग्रेशन। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद मेरे ख्याल में ग्रैंड चाइल्ड हो गए किसी इमिग्रेंट के, उनकी दो बीबियां रशियन हैं, अब तो उनका एक अरब ग्रैंड चाइल्ड भी हो चुका है। लेकिन फिर भी देखें, जिस तरह एक रेटरिक सीएनएन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ विक्टिम ऑफ सीएनएन। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट इमिग्रेशन, लेकिन वो कहते हैं कि फ्रंट डोर से आए आप दीवार से इलीगल तरीके से ना आए। बल्कि आज भी जब उन्होंने वोट डाला पाम बीच के अंदर, और उन्होंने बाहर खड़े होकर फिर ये कहा कि 13,000 क्रिमिनल मर्डरर आ चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। और ये दर हकीकत मैं समझता हूं कि इलीगल इमिग्रेशन, आप खुद इस वक्त पाकिस्तान बैठी हैं, वहां से आपको जो टेररिज्म है, आप अफगानियों के साथ, आपका भी राइट बनता है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कंट्री फर्स्ट। बेशक लेकिन जब यहाँ भी पे दुनिया अगर कहती बात है की कि उन्हें जाए, आने दो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा राइट बनता है टू प्रोटेक्ट आवर बिल्कुल बॉर्डर्स। 21 मिलियन लोग हैं। और मैं डिसएग्री करूंगा, हमारे बड़े बड़े शहर जो हैं इस वक्त वो वार जोन्स बन चुके हैं, आप दिन के वक्त वहां नहीं जा सकते। न्यूयॉर्क के अंदर 2 लाख के करीब जो इलीगल वहां घूम रहे हैं, पुलिस इस वक्त, क्योंकि कैमला हैरिस वाज अ फाउंडर ऑफ डिफेंडिंग पुलिस, पुलिस इज डिमोरलाइज्ड। न्यूयॉर्क में पुलिस नामो निशान नहीं है, और इकॉनमी वहां फ्लरिश नहीं कर पाती जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो। तो दर हकीकत इस वक्त, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज गॉन टू एक्सट्रीम, उन्होंने आज फिर फरमाया कि अमेरिका इज ऑक्यूपाइड। 21 मिलियन लोगों का मुख्तलिफ बॉर्डर से आके ऊपर चढ़ जाना, इट इज एन ऑक्यूपेशन, इट इज इन्वेजन ऑलमोस्ट। तो इसको जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, कैन यू इमेजिन क्या कंट्री विदाउट अ बॉर्डर, कैन यू इमेजिन, आई मीन वी आर लिविंग इन दिस मिजरी राइट नाउ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज बातें करने को बहुत है, लेकिन दुनिया जल रही है। क्यों जल रही है? बाइडन साहब की वीक फॉरेन पॉलिसीज की वजह से जल रही है। रशिया और चाइना अलायंस जो बन चुका है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वो है। किस तरह बना है? बाइडन साहब की वजह से बना है। बाइडन साहब कौन थे? बराक ओबामा साहब की पॉलिसीज की एक्सटेंशन थे। तो दर हकीकत अमेरिका एट हैज कम टू द वर्ज राइट नाउ के आइदर लूज द स्टेटस ऑफ बींग द सोल सुपर पावर और बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री। वो भी इस तरह कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी का बिल्कुल यही प्लान है कि 21 मिलियन लोगों को बुला के स्विंग स्टेट्स के अंदर उनको सेटल किया जाए और अमेरिका शुड बिकम अ वन पार्टी रूल। सो दिस इज ऑन द थ्रेट। इट्स नॉट दैट इजी टू से दैट इट्स अ नेक टू नेक। डोनाल्ड ट्रंप हैज अ मैसिव सपोर्ट राइट नाउ। और मेरे ख्याल में इस वक्त कैमला हैरिस के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की 4 साल की फेल पॉलिसियां ही काफी हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने आप को डिस्टेंस देने की, बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इट। जी तार साहब, बड़े दिलचस्प आप बातें फरमा रहे हैं और क्लियरली आप इसको देख रहे हैं। आप तो अगर आपकी बात के आपके मुताबिक तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप शुड लीड विद अ मैसिव शुड विन विद अ मैसिव लीड। आप कह रहे हैं ना कि बहुत उनकी मैसिव सपोर्ट है, वो तो खैर रिजल्ट बता देगा। लेकिन ये जो आपने फरमाया, यही जो आपने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये ऑक्यूपाइड स्टेट है, तो ये जो मुसलमान वहाँ बैठे हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हैं, वो जो घबरा रहे हैं, और वो ये तो बात हमने खुद सुनी है कि उन्होंने कहा कि वीज़ा भी जो है वो आप दें, सोच के दें, अगर एंटी इसराइल कोई है। इज इट नॉट अ फैक्ट कि ये बात हुई है या ये भी किसी ने मैन्युफैक्चर की है? देखिए, इसको इसराइल के साथ तो मैं रिलेट नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका में ये पहले ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं खुद इस चीज में बिलीव करता हूं कि अमेरिका में सिर्फ उन लोगों को आना चाहिए दोज रिस्पेक्ट अमेरिकन वैल्यूज एंड अमेरिकन कल्चर। अगर इफ यू हैव मैलस इंटेंशंस टू कम टू यूएस टू हार्म यूएस, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर टू बिगिन विद। सो दैट इज व्हाट वी बिलीव इन, एंड एवरी प्रेसिडेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिज सिटीजंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ देम। सो ये इस तरह कहना कि वीजा दिया जाएगा सिर्फ तो मुसलमानों को रोक लिया जाएगा,
ये बात नहीं है, लेकिन उनको एटलीस्ट अमेरिकन वैल्यूज का पता होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द कंट्री इज स्टिल अ क्रिश्चियन, इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर क्रिश्चियन। तो मेरा ख्याल में जो लोग एक डिफरेंट आइडिया लेके आते हैं यहाँ पे कि हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक शरिया इन्फोर्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो दे आर इन द रॉन्ग कंट्री। तो अल्टीमेटली ये सारा रेडरिक है, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ज्यादातर लोग दे आर विक्टिम ऑफ द CNN प्रोपेगेंडा। जी प्रोफेसर आदिल नजम सर, जी बताइए। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं ताडर साहब के, ये तो कोई इशू बेसिकली नहीं, और एक ये कि वही लोग आए अमेरिका जो कि अमेरिकन वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं और यू नो दैट इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, ये तो मैंने नहीं देखा था वैसे कि कोई जाता है। मतलब आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ना, डिबेट तो हो सकती है, ये चीज़ें क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, ये मैं आई एम नॉट क्वाइट क्लियर, आप बताइए आपको क्या समझ आया। एक छोटी सी इजाजत दे, 21 मिलियन इलीगल जो लोग आए हैं उनको वेट किया गया है, आपको पता है उनकी इंटेंशंस क्या है, 30,000 से ज्यादा तो चाइनीज आ चुके हैं यहाँ पे, और 13,000 डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज खुद फरमाया कि 13,000 मर्डरर दे हैव कम फ्रॉम द जेल्स एंड प्रिजंस ऑफ द साउथ अमेरिका। जी ठीक, उनको वेट नहीं किया गया, उनको वेट नहीं किया जी, ठीक आपकी पॉइंट ले लिया हमने। जी बताइए आदिल नजम साहब, आप इस मामले को कैसे, नसीम इसमें आई थिंक आप थोड़ी ज्यादा कर रही हैं, 13,000 थे मर्डरर या नहीं मुझे तो नहीं पता है, किसी ने कह दिया, कोई भी कह सकता है, 15,000 भी कह सकता है, 1,400 भी कह सकता है, लेकिन जहां ज्यादा सिर्फ ये है कि आई थिंक वो तारड़ साहब जो है वो ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उनकी बातें कर रहे हैं, तो उसके जवाब में आपको किसी को लाना पड़ेगा जो हैरिस की स्पोक्स पर्सन। अच्छा चले छोड़े, मैं तो आई एम टॉकिंग टू एज एन एकेडमिक, एज एन दो बड़े ही मशकूक किस्म के आपके कैंडिडेट्स हैं, मैं सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं है, बट अगर आप एक पार्टिजन लाएंगे तो वो पार्टिजन बात ही होगी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। नहीं नहीं, आई वाज टॉकिंग मोर एज अ यू नो एज एन एनालिस्ट, एज अ एकेडमिक हु लिव्स इन अमेरिका एंड हु सीज दीज इश्यूज, बट इफ यू डोंट वांट टू एड्रेस इट आप। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कि ये रेटरिक है, ये इलेक्शन रेटरिक है, और जो तारा साहब ने कहा वो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप है पोजीशन है, दैट डजंट मीन कि वो फैक्ट है, वो सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप के कैदी आज बाल्टीमोर न्यूयॉर्क के क्राइम रेट का अंदाजा आप सेम ऑन हैरिस साइड, देखिए ना इलेक्शन से पहले तो आप वोट जीतने जा रहे हैं ना, जी जी आप एनालिसिस करने तो नहीं जा रहे, सो आई डोंट थिंक ये जो पार्टिजन वाला मसला है वो उनका हक है बिल्कुल, वो ही कैन बिलीव व्हाटएवर ही वांट्स। ओके फॉरगेट इट, वी लेट दैट बी। मैं इनके पास चलती हूँ, अली फुरकान के पास। जी फुरकान, ये बताइएगा आप ऑन द ग्राउंड, ये आपने खुद देखा है मामलात जो रहे पिछले एक महीने में, खास तौर पे इन द रन अप टू द इलेक्शन, तो ऑन द ग्राउंड आपने व्हाट हैव यू विटनेस्ड, व्हाट आर द इश्यूज, मसलन ये इमिग्रेशन का इशू ले लें, आप जो लोगों से आप बात कर रहे थे उनके लिए कितने अहम थे ये मामलात? जी मैंने काफी सारे स्टेट्स को देखा जिसमें जो स्विंग स्टेट्स थे उनमें भी कुछ में मेरा जाना हुआ, और यकीनी तौर पे ये समझने की कोशिश की कि उनके क्या जो है मसाइल हैं, क्या मामलात हैं जिनको वो देखना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में। तो जिस तरह प्रोफेसर आदिल नजर ने कहा कि वो मसाइल जो है वो हमें कंपेन में इस दफा कम दिखाई दिए, और वो जो इल्जाम और ये ज्यादा एक दूसरे के ऊपर तनकीद है वो ज्यादा हमें बेशक दिखाई दी है, वो जो इश्यूज जिसके ऊपर रवायती तौर पे इलेक्शन हुआ करता था माजी में, जिसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज अमेरिका के बड़े वाजे किस्म के इश्यूज हैं, गन राइट का इश्यूज है, वॉशन का इश्यूज है, हेल्थ केयर का इशू है, ये वो बड़े बड़े इशूज है जो कि गुजश्ता 2-3 इलेक्शन में हम देखते रहे, और अब भी हमें यही थी कि उसके ऊपर ज्यादा बात होगी लेकिन वो हमें कम दिखाई दी। और ये जो नए इश्यूज जो है उन्होंने यकीनन कुछ जो है वो जगह लिए, लेकिन अभी भी जो अमेरिकन के नुक्ता नजर से आप देखें तो उनके मसाइल वही हैं। इसके साथ साथ जो नए मसाइल आए हैं वो इंटरेस्ट रेट का आया है, महंगाई का मसला आया है, और ये जो अमेरिका के अंदर जो इदारों की कुछ जो है वो हालत कमजोर हुई है, ये भी नौजवानों के नजदीक एक बड़ा मसला जो है वो हमें दिखाई दिया वहां पे। लेकिन जो दूसरा पहलू इसके साथ साथ जिसका कुछ जिक्र हुआ वो तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहला इलेक्शन था जो हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में उन्होंने लड़ा था वो भी कवर करने का मुझे मौका मिला था, उस वक्त भी तकसीम थी अमेरिका की सियासत, लेकिन वो तकसीम इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अब हमें देखने में मिली, और अब ऐसा लगता है कि अब जो शिद्दत है लोगों में एक दूसरे की बात सुनने से और उसको या वो बढ़ी है,
और बड़ा वाजे तौर पे पहले अगर आप किसी से पूछते थे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी जवाब देते थे। अब की बार वो उसकी कोई रीजन देना जरूरी नहीं समझते।